हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्लास 11th के स्टूडेंट्स, हमारा पी एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर छूट गया था, हमने अल्कली मेटल्स तक की सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली थी। थ्योरेटिकल बातें नहीं पढ़ाई थी, लाइक सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट, वो सब नहीं करी थी। दैट इज़ थ्योरेटिकल। जो कंसेप्चुअल बातें हैं वो हम लोग अभी वीडियोज़ बना रहे हैं जल्दी जल्दी। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम लोग हमारे ग्रुप नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। सो टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स एंड दैट आर नोन एज एल्कली, एल्कली अर्थ मेटल्स, दे आर कॉल्ड एज एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल्स में कौन कौन आता है देखिए। एल्कली अर्थ मेटल्स में आता है बेटा, जो कि मांगता है कार और स्कूटर, और बाप जो कि आजकल के ज़माने का है इसलिए वो राजी हो जाता है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। मेरे ही यूट्यूब पर किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर बाप रोए मत करो, बाप रोते नहीं आजकल, बाप राजी हो जाते हैं मॉडर्न ज़माने के बाप। अपन तो खुद ही पूछेंगे कुछ टाइम के बाद, बेटा क्या चाहिए बोल। नहीं 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 पापा, अरे बोल तू। सो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। सो बेटा स्टैंड्स फॉर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। गाइस दिस इज स्ट्रॉन्शियम, दिस इज बेरियम एंड दिस इज रेडियम। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। सो गाइस ये हैं आपके अल्कली अर्थ मेटल्स। सबसे पहली बात, व्हाई दे आर कॉल्ड एज एल्कली, व्हाई दे आर कॉल्ड एज एल्कली। तो इस बात का जवाब है, इस बात का जवाब है कि मैग्नीशियम से लेकर रेडियम तक, खैर रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है बट हम इसको मान लेते हैं, इनके जितने भी ऑक्साइड्स बनेंगे एंड जितने भी हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, ऑल द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। दे आर हाउ, व्हाट काइंड ऑफ नेचर दे हैव, दे आर बेसिक इन नेचर। एंड गाइस ऑल दोज बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड आर सॉल्यूबल इन वाटर, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एल्कलीज, बिकॉज ऑल दोज बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कलाइन ऑक्साइड्स एंड एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड्स। अल्कलाइन का मतलब ही होता है वो सारे बेसिस जो वाटर सॉल्यूबल हो। ठीक है, दे दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एल्कली। व्हाई दे यूज्ड अर्थ, बिकॉज एंड आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ये सारे मेटल्स कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से, अर्थ के अंदर से निकलते हैं, अर्थ के अंदर से हमें मिलते हैं। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एल्कली अर्थ मेटल। याद करो हमने ग्रुप 1 को सिर्फ अल्कली मेटल बोला था, अर्थ नहीं बोला था, क्योंकि वो सी में से मिल रहे थे, वाटर सोर्स से मिल रहे थे, अर्थ से मिल रहे थे, बहुत सारी अलग अलग जगहों से मिल रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उसको सिर्फ एल्कली बोला। लेकिन ये सारे कहाँ से मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट से। इनफैक्ट जो रेडियम भी है वो जो बहुत पुराने पुराने जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उनके अंदर से मिलते हैं। तो दे ऑल आर अल्कली अर्थ मेटल। ओनली बेरिलियम एक एक्सेप्शनल केस है, इट इज एन एक्सेप्शनल केस। आप बेरिलियम को कभी भी अल्कली अर्थ मेटल नहीं कहोगे। अल्कली इवन दो इस ग्रुप में रखा जाता है, वो मजबूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन इसे कभी भी अल्कली अर्थ मेटल नहीं कहा जाता। कारण, बिकॉज उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं
एंड इवन हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. दे आर बेसिकली हैविंग एम्फोटेरिक नेचर, मतलब वक्त आने पर एसिड और वक्त आने पर बेस. मतलब जब आप बेरिलियम के ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बेस बन जाएगा, और अगर इस बेरिलियम ऑक्साइड को किसी बेस से रिएक्ट कराओगे तो ये एसिड बन जाएगा, और दोनों ही केसेस में सॉल्ट प्रोड्यूस करके देगा. दैट इज वाई इट इज एन एक्सेप्शनल केस. इसीलिए इसको एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से आप इसे एक एक्सेप्शनल केस की तरह मानकर आगे बढ़ोगे. और एक और बात यह है कि ग्रुप का पहला मेंबर होने के नाते ये एनोमेलस प्रॉपर्टीज भी शो करेगा, हम लोग ये सब बात जानते हैं. और दूसरा, इसका डायगोनल रिलेशनशिप हमें मिलेगा. ये डायगोनल रिलेशन शो करेगा ग्रुप 13 के सेकेंड मेंबर एल्यूमिनियम के साथ. ग्रुप 13 के सेकेंड मेंबर एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप भी बेरिलियम शो करेगा. तो ये हर मामले में अलग है, ठीक है. अगर हम अबंडेंस की बात करें तो सबका अबंडेंस अर्थ क्रस्ट में होता है कम होता है, लेकिन मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में 6th रैंक पर पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा अबंडेंस है. और कैल्शियम की रैंक 5th है हमारे अर्थ क्रस्ट में. सो बेसिकली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन गुड क्वांटिटी, बाकी सबकी क्वांटिटी ठीक ठाक होती है, ठीक है. सो गाइज, ये हो गया ग्रुप 2 एलिमेंट्स अल्कली अर्थ मेटल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी लेकर आपके सामने आता हूँ. तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, कोई डाउट हो तो पूछें, और अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने चैनल ग्रेविटी सर्कल को शेयर करना मत भूलना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, उस पर भी मेरे ढेर सारे फ्री वीडियोज अवेलेबल हैं, आप उस पर भी मृत्युंजय पंड्या सर्च करके वीडियोस देख सकते हैं. एंड ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. बाय बाय एवरीबॉडी.